नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रतलाम कलेक्टर ऑफिस को आदिवासियों ने घेरा, बोले समाज के लोगों को गलत तरीके से किया जिला बदर। कलेक्टर ने जमीन पर बैठकर दी समझाइश, विधानसभा चुनाव के समय समाज के दो लोगों को गलत तरीके से जिला बदर किया गया है। कांग्रेस ने एमपी की लोकसभा सीटों पर नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर जातीय क्षेत्रीय समीकरण बैठाकर बीजेपी को चुनौती, भोपाल प्रियव्रत इंदौर बाला वचन संभालेंगे। शिवराज बोले ढोल ताशे बजाएं, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। सीहोर में कहा लाडली बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाऊंगा। एमपी में ठंड से अभी राहत नहीं, धर्मशाला कटरा से भी ठंडा भोपाल, रायसेन और सागर 11 शहरों में टेम्परेचर 20 डिग्री से भी कम। सोमवार सुबह कड़ाके की ठंड रही। चुनाव हारे 12 मंत्रियों ने नहीं छोड़ा सरकारी बंगला, कैलाश प्रहलाद बेटे और भाई के पुराने बंगले में, 7 मंत्रियों का एमएलए गेस्ट हाउस में डेरा। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को आवंटित बंगले में रह रहे हैं। मेरी जान हिंदुस्तान में निकले, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं मरना चाहता। इंदौर आए एमजीएम कॉलेज के पूर्व छात्र और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने सुनाया भारत पाक युद्ध का किस्सा। कमलनाथ बोले एमपी में ही रहूंगा, दिल्ली क्यों जाऊंगा। विदेश से लौटकर कहा मैं इंडिया गठबंधन की चर्चा में शामिल नहीं। पूर्व सीएम पर बयान देने वाली मंत्री ने माफी मांगी, शिवराज से मिलने के बाद दिलीप ने कहा मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। नेशनल शालेय टाइकमांडो प्रतियोगिता में विदिशा की बेटी ने मारी बाजी, जीता गोल्ड मेडल, चारों तरफ खुशी। 22 जनवरी को ओरछा में रामधुन गाएंगे पूर्व सीएम शिवराज, कहा राम भारत की पहचान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।